क्या आप जानते हैं कि किसी इंसान को जिनको पैदाइशी कान नहीं बना होता, या कान बहुत ही छोटा सा और रुडिमेंट्री बना होता है, इस तकलीफ को बोलते हैं माइक्रोशिया या एनोशिया। बहुत से बच्चे होते हैं जो ऐसा बिना कान के पैदा होते हैं। 1 in 10,000 इसका देखा गया है पॉपुलेशन में नंबर्स, माइक्रोशिया या एनोशिया का। साथ ही में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, या वो जल गए, जिसकी वजह से कान का लॉस हो जाता है, उनका कान नहीं होता। ऐसे लोगों को कान बनाने की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं ईयर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, तो उससे ये वीडियो शेयर करें, बिकॉज आज हम बात करेंगे ईयर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बारे में। हेलो, मैं डॉक्टर अजय गुप्ता हूँ, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ, और कान बनाना या ईयर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करना मेरा बहुत बड़ा पैशन है और हम काफ़ी इसमें काम करते हैं। सो आपको ये समझना पड़ेगा कान बनाने के लिए नॉर्मल कान में होता क्या है, जो हमें भगवान बना के देता है। सो नॉर्मल कान में होता है स्किन, चमड़ी, और उसके नीचे होता है कार्टिलेज, जिसको आप मोड़ सकते हैं। कार्टिलेज एक सॉफ्ट हड्डी की तरह चीज होती है। सो आपको चाहिए कि आपको जो भी नया कान बनाना है उसमें चमड़ी हो, स्किन हो, और ऐसे ही कार्टिलेज हो, और उस कार्टिलेज में कान की शेप की नक्काशी की गई हो, ताकि वो कान का शेप उभर कर आए। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कार्टिलेज आएगा कहां से। कार्टिलेज एक नेचुरल टिश्यू है और किसी और व्यक्ति का टिश्यू आपके अंदर लग नहीं सकता। हर इंसान को जिसको कान बनाने की जरूरत है, हमें कार्टिलेज उन्हीं की ही बॉडी से कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है। सो हम कार्टिलेज लेते कहां से हैं? हम लेते हैं रिब कार्टिलेज, यानी छाती की कार्टिलेज को। सो छाती की जो हड्डी होती है यंग एज में, वो मुलायम होती है, वो कार्टिलेजनेस होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें सख्त बना और उसमें वो बोन बन जाती है। सो 30 साल से पहले की उम्र में वो काफी सॉफ्ट होती है और उसमें नकाशी करके कान बनाया जा सकता है। सो हम रिब कार्टिलेज लेते हैं। इस रिब कार्टिलेज की जो निकलती है वो पीसिस में निकलता है, उस पीसिस को जोड़ा जाता है, वो एक ब्लॉक बन जाता है, और उस ब्लॉक को से आपको नकाशी करके कान की पूरी शेप बनाई जाती है। अब जब ये शेप बन जाती है कार्टिलेज की कान की, उसको आपके स्कैल्प की चमड़ी के पीछे रखा जाता है ताकि वो कान निकल कर आए। अगर किसी को लगता है कि किसी में वो चमड़ी भी यहाँ पे कम है, बहुत चिपकी हुई और पतली चमड़ी है, सो हमें चमड़ी आपकी थाई से लेकर एज ए स्किन ग्राफ्ट भी लगाना पड़ सकता है। वो एक थोड़ी डिफरेंट तरह की सर्जरी हो जाती है। सो हमें समझना है कि कान बनाने के लिए हमें कार्टिलेज चाहिए और चमड़ी चाहिए। कार्टिलेज उसी इंसान की मिलेगी रिब कार्टिलेज से, और अगर चमड़ी इस एरिया में सफिशिएंट है तो यही चमड़ी लगेगी, नहीं तो हम उसको पेशेंट को स्किन ग्राफ्ट लगा के उसमें कार्टिलेज के ऊपर स्किन लगाई जा सकती है। अब मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, पेरेंट्स आते हैं, माँ बाप आते हैं जिनके बच्चे बिना कान के पैदा हुए हैं, कि डॉक्टर साहब ये सर्जरी कब करानी। अब इसका एक डिक्टम है। डिक्टम क्या है कि 9 से 10 साल की उम्र के बाद ये सर्जरी होना चाहिए। नेचुरली हर कोई चाहेगा कि ये सर्जरी जितना जल्दी हो सके जीवन में उतना जल्दी हो जाए, लेकिन हम उससे पहले सर्जरी कर नहीं पाते। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जैसे मैंने बताया, हमें रिब कार्टिलेज चाहिए और उसी बच्चे की चाहिए। अब छोटी उम्र में बच्चा इतना छोटा होता है कि उसकी कार्टिलेज ही बहुत छोटी निकलती है, बहुत कम वैल्यू, कम अमाउंट की निकलती है, तो उससे आप पूरा कान बना ही नहीं सकते। तो देखा गया है कि जब चेस्ट सर्कमफ्रेंस, चेस्ट की अगर आप मेजरमेंट लें, वो 60 सेंटीमीटर बन जाए, तब तक इतनी कार्टिलेज बन जाती है कि उस बच्चे की रिब कार्टिलेज लेके आप कान बना सकें। इसका एक और फायदा होता है, 9-10 साल की उम्र तक बच्चे का जो अपोजिट कान है, जो नॉर्मल कान है, वो एक ऑलमोस्ट एडल्ट साइज का पहुंच जाता है। सो हमें समझ आ जाता है कि हमें किस साइज का कान बनाना है।
हम उसके अपोजिट साइज के कान का एक फोटो लेते हैं, उसकी कार्बन कॉपी करते हैं और उसी का एक मिरर इमेज नया कान बनाया जाता है। बहुत से लोग मेरे से ये पूछते हैं कि हम ये सर्जरी कराने के बाद क्या हमारी छाती में तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, हम वहां से हड्डी निकाल रहे हैं, कार्टिलेज निकाल रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं, छाती में बस आपका एक निशान आएगा, कट आएगा, वो जो कार्टिलेज वहां से निकाली जाती है उसमें कार्टिलेज वापिस ग्रो हो जाती है और ये क्लिनिकली प्रूवन है। उसके बाद उस बच्चे को भागने में, दौड़ने में, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने में कोई तकलीफ नहीं। सो ये मेरा एक अटेम्प्ट था आपको समझाने का कि ईयर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होता क्या है, उसके बेसिक्स। इसके में और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, हम आगे बात करते रहेंगे इस सर्जरी के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस सर्जरी, हमसे लिखिए, हमसे पूछिए, वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।